हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक करने वाले हैं नोटिस। इसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट ही बताऊंगा, टोटल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा क्या क्या आपको करना है जिसके थ्रू आपके नोटिस में फुल मार्क्स आ सके। और इस वीडियो की स्पेशल बात यह है, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में हमारे टॉपर्स के आंसर शीट के स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ नोटिस राइटिंग के। तो हम इनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हमारे प्रीवियस CBSE के टॉपर्स ने कैसे नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स गेन करे थे। और जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं नोटिस की, ये हमारी मिशन 95 सीरीज का पार्ट है जिसमें हम आपको इंग्लिश के ऊपर क्लास 12th सारा कॉन्टेंट प्रोवाइड करें। एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो, प्रैक्टिस मटेरियल, रिवीजन मटेरियल, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे टू मेक श्योर दैट यू गेट 95 प्लस इन इंग्लिश एंड इट विल बी फॉर फ्री। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, सीरीज के बारे में, नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने आपको इस सीरीज के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। आपका जो आंसर का टाइम लगना चाहिए नोटिस राइटिंग में 5 to 7 मिनट्स लगने चाहिए, इससे ज्यादा आपके नहीं लगने चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं बनेगा। बट अगर मानो वर्स्ट केस सिनेरियो, बम फट गया, नीचे गोलियां चल गई आपके स्कूल के, तो भाई आप 10 मिनट्स ले सकते हो। ये मैं वर्स्ट केस दे रहा हूं, इससे ज्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, राइट। तो अगर आपका मानो वीक है, कुछ भी एक्सपायर्ड रीजन है उसकी वजह से 7 से ज्यादा लग गया, तो लगने दो, 10 से ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। ऑप्टिमल टाइम है 5 to 7 मिनट्स। वर्ड लिमिट यहां पे जानी चाहिए 50 वर्ड्स। अब देखो मैं हमेशा क्या कहता हूं हर वीडियो में अपनी राइटिंग सेक्शन की, कि भाई CBSE ऑफिशियली ये बात कहता है कि भाई अगर वर्ड लिमिट क्रॉस हो तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए बच्चे के, आपको नहीं काटने, टीचर्स को CBSE ये ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन देता है। बट देखो आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो राइटिंग सेक्शन पे, मैं हमेशा कहता हूँ भाई वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, टॉपर्स ने वर्ड लिमिट क्रॉस करी है। पर देखो ये जो हमारे शॉर्ट राइटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें हमारा आ जाता है आपका इन्विटेशन, हमारा एडवर्टाइजमेंट, हमारा नोटिस, इन केसेस में आप लोगों को वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। हाँ, नोटिस के केस में, स्पेशली नोटिस के केस में अगर आपका 50 वर्ड से 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। बट आपको कोशिश करना है कि आप इसी वर्ड लिमिट के अराउंड स्टिक करो। आर्टिकल राइटिंग की तरह ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पूरे 20-30 वर्ड क्रॉस हो गए कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट को स्टिक करना है। आंसर एक पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पैराग्राफ का यहाँ कॉन्टेंट जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मैट मटीरियल आपका एक पैराग्राफ का ही कॉन्टेंट जाएगा। और जो हमारा मेन कॉन्टेंट होता है फॉर्मैट के अलावा वो 3 to 4 लाइन्स का होता है। 4 लाइन्स का एक जेन्युइन चला जाता है, बट 3 लाइन्स में भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 to 4 लाइन्स का आपका कंटेंट होता है। बिल्कुल एक्सट्रीम केस में जहां आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा कवर नहीं हो पाया, मेरे को करना है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप 5 लाइन्स यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा तो भूल के भी मत यूज कर लेना 5 लाइन से ज्यादा। और पांचवी भी जो आप लाइन यूज करो ना, पूरे आंसर शीट की फुल फ्लेज्ड लाइन मत यूज कर लेना। आप लगभग लगभग आधे पेज की या फिर 3-4 वर्ड्स की लाइन बना सकते हो, इतनी फ्रीडम है, बट 5 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ये चीज दिमाग में रखना, राइट। अब देखो फॉर्मैट क्या होता है हमारा नोटिस राइटिंग का, ये मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल फॉर्मैट लेके आया हूं नोटिस राइटिंग का, ऑफिशियल सैंपल पेपर से CBSE के, राइट। तो आपको इसको डाउट करने की कोई नीड पड़ेगी नहीं। अब देखो इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट कैसे जाना है। सबसे पहला आपकी पहली लाइन में जाना है नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है, क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया होता है किसकी तरफ से नोटिस जारी करा गया है। फिर अगली लाइन में जाना होता है, नोटिस वर्ड जाना होता है इन कैपिटल्स। देखो अगर CBSE अपने ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में वो बात बोल रही है ना कि कैपिटल्स में जाना है, तो इस चीज को गलती से भी भूलना मत, ठीक है। फिर अगली लाइन में डेट जाना है, फिर अगली लाइन में उससे जाना है टाइटल, ठीक है, आपका टाइटल जाना है आपके नोटिस का, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट जानना है। अब इसमें आपका फिर क्या होगा, फिर ये चार चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका कंटेंट जाएगा, और फिर कंटेंट कंप्लीट होने के बाद आपका एंड में जाएगा साइन, फिर आपका नेम जाएगा और आपका डेजिग्नेशन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहता है। इसको एक बार हम एक टॉपर की आंसर शीट के थ्रू देखते हैं। तो देखो यार हमारे टॉपर ने कैसे लिखा हमारा आंसर, देखो यार आंसर कुछ इस तरीके से लिखा, पहली लाइन में अगेन नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी जो हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप और लोकेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आपका जैसे भी लिखा हुआ है आपको वो लोकेशन के साथ कॉमा लगा के वसुंधरा, दिल्ली, जो भी XYZ आपको लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है। अच्छा ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, डेट आपकी लेफ्ट में जाएगी, वैसे आपका टाइटल, इशूइंग अथॉरिटी का नाम और टाइटल सब सेंटर में जाएगा,
पर डेट आपकी लेफ्ट में जाएगी, राइट। तो हमने पहले देखा हमारा ये डेट, फिर हमारा आ गया टाइटल। अब देखो इसमें क्या किया है हमारे टॉपर ने, इनफैक्ट हमारे पास जितने भी टॉपर्स जिन्होंने नोटिस लिखा था उन्होंने ये चीज करी है कि उन्होंने नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और हमारा ये क्या नाम है टाइटल, इनको भी हमारा इन्होंने कैपिटल में लिखा। तो आपको भी यही करना है कि डेट के अलावा हमारी तीनों स्टार्टिंग की चीज लिखनी है आपको कैपिटल में, और तीनों को पेंसिल से अंडरलाइन भी करना है। तो ये सीबीएसई नहीं कहता है, पर हम ये करेंगे ताकि हमारा भाई हमारा अच्छा लगे, हमारा अच्छा लगे, ठीक है। तो हमने ऐसे ये चारों चीजें हमारे भाई हमारे टॉपर ने लिखी, एक लाइन छोड़ी और कॉन्टेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमें करना है। अच्छा बच्चे ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, कि भैया मेरे को, मैं भूल जाता हूँ क्या करूँ, पहले ये आना है इशूइंग अथॉरिटी आना है, फिर नोटिस आना है, फिर डेट आना है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कभी और भूल जाता हूं। मैं आपको सिंपल छोटा सा इसका एक ट्रिक बता देता हूं याद करने की। इंडिया है हमारा वर्ड IND, उसका ये याद कर लो, ठीक है। आपको नोटिस राइटिंग में याद करना है इंडिया का नोटिस है ये, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब हुआ इश्यूइंग अथॉरिटी, सबसे पहले वो जाना है। एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ नोटिस, जो आपका सेकंड पे जाना है। और डी आता है, फिर डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ आपका जो आपका डेट जानी है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको टी, ठीक है, IND तो इंडिया हो गया, टी मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में जाके बता दो कि टी क्या होना है। अच्छा कमेंट सेक्शन से एक चीज मैं और मजे की बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा भाई, CBSE ना सही में यार बहुत आउटडेटेड चल रही है। नोटिस आज की डेट में कौन यूज करता है अब CBSE को ना, मेरी नजर में तो व्हाट्सएप मैसेजेस का नोटिस लिखवाना लाना चाहिए सिलेबस में, और इंस्टाग्राम का नोटिस लिखवाना आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कैसे सुंदर सा आप एक स्टेटस लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे कैसा स्टेटस लगा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन नोटिस पे तो बिल्कुल फ्लोट नहीं करती, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे करती है। आप लोगों का क्या ओपिनियन इस चीज पे? तो चलो अब देखो ये हमारा हो गया, फिर बच्चे ने हमारे लिखा भाई, हमारे टॉपर ने लिखा कंटेंट, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर अगले ने क्या किया भाई हमारे टॉपर ने अपना वो लिखा, अपना साइन किया, अपना नहीं किया जो क्वेश्चन में दे रखा था वो साइन किया, अपना नाम लिखा, अपना वो दिक्कत लिखा, अपना औधा लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जहाँ पे उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो आपको यही चारों चीज़ें हमेशा याद से लिखनी है, अपना साइन, नाम, डेजिग्नेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेजिग्नेशन है वो। और अगेन मैं ये भी दोबारा बोल दूँ, मैं अपना वर्ड तो यूज़ कर रहा हूँ पर अपना नहीं लिखना, क्वेश्चन में दे रखा जाता है सब कुछ, वो सारा का सारा आपको यूज़ करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँ मैं आपको नोटिस के अराउंड, बॉक्स ड्रॉ करना कंपल्सरी होता है, ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है। बाकी राइटिंग नोटिस इन कैपिटल भी है हमने बता दिया, मैंने अंडरलाइनिंग इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन नोटिस एंड टॉपिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कीप अ शार्प आई ऑन क्वेश्चन, मैंने शार्प को शार्ट लिख दिया है, ठीक है, मेरे से ऐसी गलतियां होती रहती हैं स्लाइड में, बट माइंड मत करना मैं बता देता हूं हमेशा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पे शार्प आई रखनी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में सारा फॉर्मेट का मटेरियल, आपका इश्यूइंग अथॉरिटी ये सब कुछ और ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही मिलता है। तो प्लीज क्वेश्चन को बहुत ढंग से एक एक वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ लेना, और कंटेंट का भी काफी मटेरियल आप लोगों को यहीं से मिल जाता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है। तो अब आगे आते हुए हम देखते हैं कि कंटेंट आपको क्या लिखना है। कंटेंट यानी कि हमारा ये जो यहाँ पे जो सारा जाना है ना, ये क्या जाना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये भी हमारा CBSE प्रिस्क्राइब करता है ऑफिशियली कि भाई क्या क्या आपको लिखना चाहिए या क्या क्या बच्चे को लिखने की नीड है। तो भाई बस हमें क्वेश्चन समझना है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना है और आपका पूरे मार्क्स आ जाएंगे नोटिस राइटिंग में। क्या क्वेश्चन, देखो आपको सबसे पहले समझना है नोटिस लिखा किस लिए जाता है, नोटिस राइटिंग होती किस लिए है। नोटिस देखो इसलिए लिखा जाता है कि कोई इवेंट वह होने वाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इवेंट कराने वाली है, और उसके बारे में जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम नोटिफाई करते हैं, उसको हम उनको हमें बताना होता है। तो ये होता है नोटिस का पर्पस। अब देखो नोटिस में CBSE कहती है कि आपके ये चार क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए आपके नोटिस के कॉन्टेंट में। पहला व्हाट, कि क्या इवेंट हो रहा है, दूसरा व्हेन, कि कब हो रहा है इवेंट, तीसरा वेयर, कहां हो रहा है इवेंट, और चौथा फॉर हुम, यानी कि किसके लिए हो रहा है इवेंट, राइट। तो ये चारों क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। आपका कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में आपको ये भी एड्रेस करना होता है हु, कि कौन करवा रहा है। ऑल्दो हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे फॉर्मेट में ही आ जाता है, बट अगेन क्वेश्चन की अगर डिमांड हुई तो आपको मतलब वहां पे ऑफकोर्स यार मैं हमेशा क्या बोलता हूं, दिमाग फ्रिज में नहीं रखना, आपको लेके जाना है अपना दिमाग, ठीक है, वहां पे जरूरत लगे तो
आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना, और एनी अदर रेलिवेंट इन्फो। ये भी सीबीएसई कहता है कि भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको लग रही है डालनी चाहिए, वो डाल देना। ये आपका लगभग एक से दो लाइन में आप एक दो लाइन्स की आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हो। क्या होती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और कैसे लिखते हैं, चलो हम जरा एग्जाम्पल्स कुछ पढ़ते हैं दो, ठीक है। हमारे टॉपिक का भाई ये हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। देखो सबसे पहली चीज देख लेते क्या था भाई, सोसाइटी मीटिंग ऑन इरेग्युलर वाटर सप्लाई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो टॉपिक का जो आपका वो होता है हेडिंग होती है, राइट, ये आपको अगेन क्वेश्चन में दे दी जाती है। ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड नहीं दी जाती, पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको सिंपली मिल जाएगा कि राइट अ नोटिस ऑन, ठीक है, राइट अ नोटिस ऑन, ठीक है। जब ये चीज आपको लिखी हुई होती है तो आपको उसके आगे लिखा हुआ होता है कि किस चीज पे लिखना है, आपको बस सिंपली वही चीज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके काम चल सकता है मोस्टली केसेस में, बट थोड़ा बहुत चेंज करके आपका यहीं से हेडिंग निकल जाता है। तो भाई हमारी ये जो सोसाइटी है इसमें इरेगुलर वाटर सप्लाई, इसके ऊपर नोटिस डालना है हमें मीटिंग का, ठीक है। अब देखो हमारा कैसे लिखा है टॉपर ने, देखो मेंबर्स ऑफ द वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग। अब देखो सबसे पहली चीज फॉर हुम तो पहली लाइन में एड्रेस हो गया, ठीक है, मेंबर्स ऑफ इनके लिए हो रही है, आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो हमारी पहली लाइन में फॉर हुम का भी आंसर निकल गया, हमारी पहली लाइन में ये हमारा ये भी आंसर निकल गया व्हाट, कि किसके लिए क्या मुद्दा है मीटिंग का या क्या मुद्दा है उस इवेंट का, राइट। अब अगली लाइन पढ़ लो, द मीटिंग विल बी डेटेड एट ये एंड एट वेस्ट एंड कम्युनिटी हॉल फ्रॉम इतना तो इतना। तो अब देखो यहाँ पे हमारा वेन का भी हो गया और वेयर का भी आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा माइंड रखनी है। अच्छा मीटिंग का मामला है तो भाई टाइम भी मैंशन कर दिया, राइट, टाइम में ऐसे मोस्टली केसेज में होता है मैंशन। तो आपकी पहली लाइन में फॉर हुम मैंशन हुआ था, व्हाट मैंशन हो गया था, सेकेंड लाइन में आपका मैंशन हो गया वन और वेन और वेयर, राइट। तो इस तरीके से आपका हो गया। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में हमारे टॉपर ने क्या लिखा, अटेंडेंस इज कंपलसरी, क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो भाई यहां पे ये भी मेंशन कर दिया अटेंडेंस इज कंपलसरी। तो एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक क्या आधी लाइन में लिख दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर उसके बाद भाई अपना फॉर्मेट करके खत्म कर दिया, राइट। एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, देखो हमारा यहां पे क्या था, ये स्कूल है, इसका इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म the students। अब देखो this is to inform, ये जो है ना ये बड़ी किलर लाइन है नोटिस में, 99% केसेस में आप ये लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। पिछले वाला जो हमने टॉपर का आंसर देखा था ना उसमें भी यही वर्ड्स यूज हो सकते थे, दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या बोल दिया है, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस जितना भी लिखा 10 to 12, ठीक है। यहाँ पे फॉर हुम एड्रेस हो गया, ठीक है, फॉर हुम क्वेश्चन का एड्रेस हो गया, दैट ऑन एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यहाँ पे वट वाला क्वेश्चन एड्रेस हो गया, विल बी हेल्ड इन स्कूल ऑडिटोरियम, यहां वेयर वाला क्वेश्चन एड्रेस हो गया, ऑन मार्च 9:15 इतना बजे, ठीक है। यहां पे आपका वेन वाला क्वेश्चन एड्रेस हो गया। तो भाई हमारा टॉपर स्मार्ट था, पहली लाइन में व्हाट व्हेन वेयर फॉर हुम सब कुछ एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फीचरिंग एस्टीम्ड सिंगर्स एज चीफ गेस्ट, ये भी एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन लिख दी, लेटेस्ट बाय मार्च ये, ठीक है, स्टूडेंट्स मे ब्रिंग देयर इंस्ट्रूमेंट एट देयर ओन कॉस्ट, रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड। अब देखो ये सारी एक्स्ट्रा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और देखो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छे से टॉपर ने सोच के बताया कि भाई हर कोई सिंगिंग तो करेगा नहीं, हर कोई भाई गाने बैठ गया तो जीगान वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई टॉपर ने क्या कहा कि भाई जिस जिसको करना है इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें इतनी देर तक अपना क्या कहते हैं मुझे अंडरसाइंड, मतलब ये जो अंडरसाइंड है इंसान उसको अपनी डिटेल्स दे दे, स्टूडेंट्स को अपने इंस्ट्रूमेंट अपनी कॉस्ट पे लाने, रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड। तो तीन लाइंस में यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टॉपर ने डाली है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाली है, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा है, आप इनमें से एक आधी लाइन कम कर सकते हो अपने केस में, बट आपकी इस तरीके से आपको क्वेश्चन की नज़ाकत के अकॉर्डिंग, ठीक है, को टॉपर ने एक्स्ट्रा इन्फो डाल दी। अब देखो इसमें आपको अभी इसको मैं पूरे आंसर को नहीं देखने वाला हमारा, देखो ये बट एक एक्सेप्शनल आंसर है, ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, लॉस लॉस लॉस, कोई इवेंट पे नहीं है, कुछ खो गया है, ठीक है, उसके ऊपर है, राइट। तो आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, शायद आप लोग ये देख के कह रहे होंगे कि भैया यहाँ पे तो आपने जो बताया है हमें फॉर्मेट उससे अलग फॉर्मेट है। देखो यार ये प्रीवियस ईयर पुराने टॉपर्स की आंसर शीट में का फॉर्मेट है, इस साल फॉर्मेट जो है
है मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो लेटेस्ट फॉर्मेट किया है। और देखो अगर आप डेट और ये इंटरचेंज कर भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, पर पंगे क्यों ही लेना जब CBSE ने हमें ऑफिशियल लेटेस्ट फॉर्मेट दे दिया है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खोने का है, खो गया है कुछ, ठीक है। अब देखो मैं आपको दोबारा सारे एलिमेंट्स नहीं बता रहा, आप खुद अपने सारे एलिमेंट्स ढूंढो क्या क्या इसमें एड्रेस करे गए हैं, पर एक रेलेवेंट एक्स्ट्रा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छी दे रखी है कि भाई आपका ऑब्वियस ही बात है अगर कुछ चीज खो गई है यानी बुक खो गई है इस केस में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बता रखा है कि किसको रिटर्न करनी है अगर आपको मिले तो इस तरीके से एक लाइन आपको एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। और देखो टाइटल्स यहाँ पे देख लो आपका इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन लॉस लॉस लॉस, तो आपको एक ही लाइन का सब वो टाइटल जाना होता है, सिंपल सा आपका टाइटल जाना होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालना होता आपको, राइट। और अब ये आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आप आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखो, छोटा सा आंसर है, फॉर्मेट ऑफकोर्स नहीं लिखना आपको, बस आपको कॉन्टेंट लिखना है, आप कॉन्टेंट क्या लिख के आओगे अपने एग्जाम में, और आपको दूसरे बच्चे रेट करेंगे आपके परफॉर्मेंस पे और आपको दूसरे बच्चे इनपुट्स या सजेशंस देंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, लाइक जरूर कर देना यार, इतना इन्फॉर्मेशन इतना ज्ञान लेके जा रहे हो, लाइक नहीं करके जा रहे अच्छा लगेगा ऐसे, तो लाइक जरूर कर देना, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।